हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज निशु डिजिटल क्वीन। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ ब्रह्मपुत्र मार्केट नोएडा। मैंने ये मार्केट पहले ही एक्सप्लोर कर चुकी हूँ और अभी मैं लास्ट ट्यूजडे भी वहाँ पे गई थी। और काफ़ी कुछ वहाँ पे ना यार, स्ट्रीट फूड आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यार मैं ना दिल्ली को इस मामले में बहुत बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो फाइनली मैंने एक ऐसी मार्केट ढूंढ ली है जहाँ मुझे दिल्ली की याद बिल्कुल नहीं आने वाली है, और आप भी इस बात से सहमत करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को वहाँ लेके जाने वाली हूँ। और गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ। वैसे ये टी शर्ट अभी मैं चेंज कर लूंगी, क्योंकि अभी मुझे सलोन जाना है, वहां पे मुझे अपने बालों की चंपी करानी है, फिर मुझे हेड वॉश करवाना है। एज यू ऑल नो, मैं हेड वॉश अपने घर पे नहीं करती हूँ, मैं बाहर से ही अपना हेड वॉश करवाती हूँ ऑलवेज। एंड जो मेरे बाल है ना, इतने गंदे और इतने घटिया से होने लग गए हैं, क्योंकि कुछ हमारे घर में एज सच रेनोवेशन चल रहा है, तो मैं काफ़ी टाइम पे यार डस्ट के जगह पे ही रह रही हूँ, तो उस वजह से बालों की कंडीशन बड़ी ख़राब होती जा रही है। और मैं जल्दी से आप लोगों को अब मिलूंगी। पहले मैं सलोन जाऊंगी, फिर वहां से मैं अपने सिस्टर को पिक करूंगी। और आज का जो दिन है ना, वो मैंने रखा है गर्ल्स आउटिंग का, जिसमें मैं, मेरी सिस्टर और मेरी नीस, दैट मींस मेरी सिस्टर की बेटी हमारे साथ होने वाली है मायरा। काफी फन करेंगे यार हम लोग। मैंने फिलहाल के लिए मैंने अच्छे से अपने स्किन को प्रेप कर लिया है, लाइक मैंने मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा लिया है, उसके ऊपर मैंने हल्का सा एक चिक टिंट लगा लिया है, हल्का सा, बिल्कुल लिटिल बिट। एंड बाकी मुझे काजल वाजल इतना कुछ पसंद नहीं है, गर्मी बहुत है। गाइस, इस लिपस्टिक का भी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने कल ही मम्मा अर्थ की लिपस्टिक मंगाई थी, जो कि मुझे इस पैकेट में मिली है। कुछ ऐसे इसकी ऐसे ओपन होती है, और जो शेड है वो है कैंडिलीशियस। Can you see it? मुझे शेड बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है। I think मेरे स्किन टोन पे, जो इंडियन टोन होते हैं ना, उनके ऊपर ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और आज इसका टेस्ट हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं 5-6 घंटे बाहर रहने वाली हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें भी खाऊंगी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? गाइज, इसका एड्रेस मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा दिया है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। ऐसे यहाँ से ये वाली मार्केट स्टार्ट होती है, ये पहली शॉप है यहाँ की, और एक लैंडमार्क भी आप देख सकते हो द वाइटेक्स ड्राई क्लीनर को। और मार्केट में यार देखो, अगर मैं कपड़ों की बात करूँ ना, इन जनरल हमने कोई बहुत ज़्यादा कुछ परचेज नहीं किया था। मैंने एक शॉर्ट्स लिए थे और एक पजामा लिया था, मेरी सिस्टर ने भी शॉर्ट्स और पजामा लिए थे। अभी तक उसका बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं भी 4-5 बार यूज़ कर चुकी हूँ, अच्छा चल रहा है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आई थिंक उसने 200 रुपये का लगाया था मुझे। ठीक है यार, पजामा 200 रुपये में कहाँ मिलता है यार। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये उसने शॉर्ट्स हमें बताए थे 100 रुपये के। 100 रुपये के हिसाब से आप भी देख सकते हो यार, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। 100-150 से ज़्यादा का प्राइस नहीं होता है, थोड़ा बहुत आप लोग मतलब बार्गेनिंग भी कर सकोगे तो कर देते हैं मतलब, और कई जगहों पर फिक्स्ड मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे ना बेसिकली अगर आपको आना है तो आप फूड के लिए आइए, क्योंकि 600 रुपये में 4 लोगों का आप खाना यहाँ से लेके जा सकते हो, जो कि बहुत रीज़नेबल है। और ये भी नहीं, 2-3 वेराइटी एक साथ, ठीक है ना गाइज, तो वो बहुत अच्छा है। मतलब अब जैसे ये शनेल की आपने यहाँ पे देख रहे हैं टी शर्ट है, आप बताइए शनेल की टी शर्टें कहाँ मिलती हैं 150 रुपये में। ये 150 रुपये में दे रहा था, और लास्टली इसने 100 रुपये में भी मान गया था ये। और कपड़ा भी बहुत अच्छा था यार, जोक्स अपार्ट अच्छा कपड़ा था, अच्छा मुझे लगा, मतलब फैब्रिक बहुत अच्छा था। और ये जल्दी से ना धोने के बाद इसका रंग नहीं निकलेगा, ये फॉर श्योर है। मतलब उतना तो मैं भी अब उतनी औरत तो बन गई हूँ कि मुझे पता चल जाता है कौन सा कपड़ा ठीक है कौन सा नहीं है। ये देखो अपना पूरा साइज़ वाइज सब चेक कर रही है बाबा। तो फिर आगे चलते हैं। प्रमोद चाट एंड वाले यहाँ कुछ खाना है तेरे को सच यार? सागर के लिए ना मुझे ऐसे वाले वो लेने हैं नेहा,
देखने में से कोई अच्छा लग रहा तो मैं तुरंत भैया से प्राइस लगवाती हूँ फिर। नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज देखो चलो आओ यार फिर तुम तो, इसका मतलब प्रॉपर टाइम पास के मूड में है गाइस। यहाँ पे खाना पीना कपड़े सब कुछ मिलता है गाइस, आप वन टाइम तो जरूर विजिट कीजिए। और नोएडा वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब यार सी, ये वाले भैया हैं जिसको लास्ट मैंने ट्यूसडे यहाँ से फूड खाया था, जब मायरा की तबीयत खराब हुई थी, और बहन मैंने यहाँ से मटन हारी चिकन कोरमा बिरयानी और वो सब हमने ऐसे ही, किसी ने बोला हमें खाना खिला दो, बैलून वलून वाले लेने ने, हमने उसे दे दिया और बिरयानी बस मैं पैक करके ले ली। और ईमानदारी से बताना किस किस को इसको देख के मुंह में पानी आना, क्योंकि मेरी तो हर बार की आदत है जब भी मैं थोड़ा सा भी कोई नॉन वेज इधर उधर देख लूँ तो मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। तो किस किस को वो फीलिंग आई है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना, और ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं आप लोगों के साथ दो तीन ऐसी जगहें हैं जो नोएडा में मैंने एक्सप्लोर की है, शायद आपने ना की हो, तो मेरे ब्लॉग के थ्रू यार आप लोग उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। खा रही हो मैडम आप, मजा आ रहा है? ओए ओए मायरा मायरा की तरफ से शॉट दे रही, शॉट आप यार मैं अपने क्यों होते कौन हो आप। लास्ट में वही घिसी पिटी अपील यार, अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल आप लोगों के लिए रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटा दबाना मत भूलिए, मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और जब खाना बनाने का मूड ना हो ना तब आ जाओ यार, यहाँ पे नोएडा वालों के लिए बेस्ट है।